इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने समय के साथ छेड़खानी की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम और पुष्पा मूवी के हिंदी डब्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन दोनों मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये दोनों मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर को रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम को IMDb की तरफ से 9.1 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली थी। और दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इस मूवी को 98% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जॉन वाट्स ने। वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया था केविन फेज और एमी पास्कल ने। बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम के स्टार कास्ट की तो स्पाइडरमैन नो वे होम के स्टार कास्ट में टॉम हॉलैंड, एंड्रयू जेंडिया और दूसरे कलाकार इस मूवी में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को 17 दिसंबर 2021 को हिंदी के साथ और भी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था थिएटर्स में। दोस्तों, अगर आप लोग स्पाइडरमैन नो वे होम को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं तो इस मूवी का लिंक हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर टू, पुष्पा। 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई एक्शन ड्रामा मूवी पुष्पा द राइज पार्ट 1। पुष्पा मूवी को IMDb की तरफ से कमाल की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से 8 out of 10 की शानदार रेटिंग मिली थी। और दोस्तों, ये मूवी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इस मूवी को 88% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था। पुष्पा द राइज पार्ट 1 मूवी को डायरेक्ट किया था ब्लॉकबास्टर रंगस्थलम मूवी के डायरेक्टर सुकुमार ने। वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया था नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने। बात करें पुष्पा मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के स्टार कास्ट में अल्लू अर्जुन, फहद फासिल, रश्मिका मंदना और भी कई बड़े कलाकार इस मूवी में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, पुष्पा द राइज पार्ट 1 मूवी को 17 दिसंबर 2021 को हिंदी के साथ और भी लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था थिएटर्स में। दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं तो इस मूवी का लिंक भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग इन दोनों मूवी को देख चुके हैं तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हॉलीवुड हिंदी डब्ड फिल्में, साउथ हिंदी डब्ड फिल्में, बॉलीवुड और सभी वेब सीरीज के लिंक प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। हम आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।